उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक अरविंद पांडे व पंत नगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर डीएन सिंह व निवर्तमान चेयरमैन सीमा सरकार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गदरपुर ब्लॉक के 18 विद्यालयों से आए बच्चों ने विज्ञान ड्रामा और मॉडल प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें बच्चों ने जल संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण, सोलर सिस्टम आदि विषय पर एक से बढ़कर एक मॉडल बनाकर प्रदर्शनी की। विज्ञान ड्रामा में वार्मिंग ग्लोबल, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, टीकाकरण और सफाई पर शानदार नाटक की प्रस्तुति दी। ब्लॉक समन्वयक निधि जोशी, प्रधानाचार्य मधुसूदन मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। अभी आपने सुना कि पूरे गदरपुर ब्लॉक में एकमात्र विद्यालय राजकीय दिनेशपुर आपका है, जहाँ के 7 बच्चे मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित हुए हैं, जिनको प्रति माह 900 रुपये छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। और ये गदरपुर में एकमात्र विद्यालय है जहाँ के 7 बच्चे चयनित हुए हैं इसमें। ये हमारी उपलब्धि है, विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि है। अभी आपने देखा कि कुछ प्रतियोगिता में हमारे बच्चा जैसे प्रथम आया वो जनपद स्तर पर जाएगा। इसके पहले जो कला महोत्सव की प्रतियोगिता हुई थी उसमें मूर्तिकला में पिछले वर्ष हमारा बच्चा स्टेट तक गया था, वशिष्ठ तरफदार। तो हर क्षेत्र में, चाहे कला का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, या परीक्षा परिणाम की बात हो, परीक्षा परिणाम में भी अपने जनपद में, पूरे जनपद में केवल जसपुर को छोड़कर के अपना विद्यालय जो है वो सबसे बेहतर स्थिति में है। तो इस तरह से सर्वांगीण विकास को दृष्टिपथ में रखकर देखा जाए तो अपने विद्यालय के बच्चे जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने विद्यालय की पूरी टीम को और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसी का प्रतिफल है कि विगत 2-4 दिन पहले ये आप ही लोगों के द्वारा, प्रेस क्लब के द्वारा और समाजसेवियों के द्वारा, गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था कि जिसमें शासन ने मुझे सरेश मटियानी उत्कृष्ट सचिव पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। तो कई एंगल्स अगर देखा जाए, कई कोणों से देखा जाए तो यह विद्यालय सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी जो हमारा परीक्षा परिणाम होगा हम हर क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे। दिनेशपुर क्षेत्र का नाम जो है वो रोशन होगा, यहाँ के बच्चे रोशन करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे बच्चे वीर क्षेत्र में, चाहे समाज सेवा का हो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो या प्रशासनिक पदों पर हो, देशों का बच्चा पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ रहे, ये मेरी पहचान बनेगी और यही मेरी अपेक्षा भी है यहाँ के लोगों से, यहाँ के बच्चों से। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।